हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल। तो आज के वीडियो में हम रिवीजन में देखेंगे नया टॉपिक, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? अभी सबसे पहले बात आती है व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। तो लाइट के कारण हम लोग कोई भी चीज़ देख सकते हैं। हाउ वी आर सी एनी ऑब्जेक्ट, हाउ वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट ओनली। आँखें तो है ही, बट आँखों से सिर्फ काम नहीं चलता। अगर रूम में कोई भी लाइट नहीं है, देर इज़ नो लाइट इन रूम, तो क्या आप लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाओगे? नहीं। वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट। एंड स्टडी ऑफ दिस लाइट और साइंस ऑफ दिस लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसे स्टडी ऑफ चार्जेस को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिया था, वैसे स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक्स। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक को मूव करते हैं और शुरू करते हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। उसके लिए सबसे पहले इस लेसन में आपको साइन कन्वेंशन देखने होंगे कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव लेना है। ठीक है, सो व्हेन टू टेक पॉजिटिव एंड व्हेन टू टेक निगेटिव। अब इसके लिए आप एक सिंपल चीज़ याद रखना बच्चों, हमारे पास कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, या प्लेन मिरर हो, कोई भी मिरर हो, आप उस पोल को याद रखना, उस पोल को ओरिजिन कंसीडर करना। पोल को क्या कंसीडर करना? ओरिजिन। उससे क्या होगा? सी, जब भी हम पोल को ओरिजिन कंसीडर करेंगे तो वी नो ओरिजिन के राइट साइड वाले सभी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, अपसाइड वाले अगेन पॉजिटिव एंड डाउनसाइड वाले अगेन नेगेटिव। मतलब कोई भी आपके पास मिरर है अवेलेबल, तो आप उसके पोल को ओरिजिन कंसीडर करेंगे, पोल के राइट साइड प्लस, पोल के लेफ्ट साइड माइनस, पोल के अपसाइड प्लस एंड पोल के डाउनसाइड माइनस वैल्यूज लेंगे। ऑब्जेक्ट रखा हमने मिरर के सामने, ठीक है, मतलब यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे पोल है, पोल के लेफ्ट साइड मैंने बोला आपको माइनस कंसीडर करो, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑब्वियसली आप माइनस लेंगे, ठीक है। और कोई भी इमेज अगर सपोज यहाँ फॉर्म होती है तो उसको आप लोग प्लस कंसीडर करेंगे। सो यही है साइन कन्वेंशन कि आपको कब प्लस और कब माइनस, ये तो हमें 10th स्टैंडर्ड से ही पता था, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ के बैठे हैं। इसी को इसमें ऑप्टिक्स में अप्लाई करना है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, अभी बोला हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम लोग लाइट के कारण देख सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा उसको और क्लियर करेंगे तो वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बाय द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर देख सकते हैं तो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर फॉल होगा, रिफ्लेक्ट होगा और हमारे आँखों में इमेज फॉर्म करेगा इनटू आवर ब्रेन, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट से हमें वो इमेज, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट जो देख पाते हैं वो किस फिनोमेना से देख सकते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक्चुअल में व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? दैट इज टर्निंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन एनी मीडियम और एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पेन दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? लाइट इस पेन पर पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट होके आँखों में जा रही है वो लाइट, और इस पेन की इमेज ब्रेन में फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन मतलब इस किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल होता है और फॉल होके वापस आता है, वापस आता है, सो दैट वापस आना, टर्निंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट टर्निंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉल ऑन एनी मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में देखो क्या क्या चेंज हो सकता है और क्या क्या नहीं चेंज हो सकता। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, लेट से दिस मीडियम इज एयर, कौन सा मीडियम है? एयर। और यहाँ पे सरफेस की, मीडियम की बाउंड्री यहाँ पे रख दी है, ठीक है, इस पर ये लाइट फॉल हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे पहले रूल्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन? रूल्स क्या है? ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर, फर्स्ट लॉ फॉर रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट देखो लाइट कौन से मीडियम से आ रही है? एयर में से। और कौन से मीडियम में वापस जा रही है? अगेन इनटू द एयर। मतलब यहाँ पे मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मतलब लाइट की स्पीड सेम रहेगी,
तो यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी चेंज होगी बच्चों, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है ना लाइट की. एंड वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, तो भले मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम बोल सकते हैं, बट वेलोसिटी सेम नहीं है. तो रिफ्लेक्शन में, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या क्या सेम रहता है और क्या क्या नहीं. तो मीडियम सेम होने के कारण सबसे पहली बात स्पीड सेम रहती है, उसके बाद में लाइट की वेवलेंथ सेम रहती है क्योंकि अगेन मीडियम सेम रह रहा है, और बस जो चीज़ सेम, फ्रिक्वेंसी भी सेम रहती है, बस इंटेंसिटी थोड़ी बहुत चेंज होती है, डिक्रीज होती है. सो इंटेंसिटी डिक्रीजेस, लाइट की उतनी ब्राइटनेस हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं मिलती, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब भी कर लेता ना, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, परफेक्टली रेडिएंट बॉडी नहीं है ये, ठीक है. एंड देर इज, यहाँ पे अभी एक नोट करना, देर इज फेस चेंज ऑफ पाई, मतलब पाई का फेस चेंज होगा अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है. दो केसेस हो सकते, फॉर एग्जाम्पल लाइट रे एयर से आया और वाटर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो लाइट रे वाटर से आया और वो ग्लास पे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है. दोनों भी केसेस सेम ही हो गई है. सो यहाँ पे भी ग्लास इज डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू वाटर, एंड वाटर इज ऑल्सो डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एयर, मतलब बोथ दीज आर डेंसर मीडियम. अगर लाइट रे ऐसे आया, सबको पता है लॉन्जिट्यूड ट्रांसवर्स वेव्स क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में लाइट आएगा, तो ये डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट. कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? डेंसर मीडियम से. तो लाइट ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये जो हमें क्रेस्ट मिल रहा था वो हमें ट्रफ मिलेगा इसे, एंड लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी. और अगर ट्रफ आता था तो हमें क्रेस्ट मिलता था. मतलब ये देखो फेस चेंज कितने का हो रहा है, इतना फेस चेंज. व्हाट डू मीन बाय इतना फेस चेंज? सबको पता है ये होगा एंगल 180 डिग्री, दैट इज पाई. मतलब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने पर फेज चेंज होता है लाइट का, ये एंगल, ये फेज चेंज होता है कितने से? पाई से, 180 डिग्री से. और अगर रेयर से रिफ्लेक्ट हो तो नो फेज चेंज. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर नो फेज चेंज, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई. सो ये था रिफ्लेक्शन. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, थोड़ा से देखो फिर से लॉज हमें डिस्कस करने हैं. एक लॉ छूट गया था, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन. अब प्लेन क्या है मैम? अभी प्लेन सबको पता है कि प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इंसिडेंट लाइट अगर इस प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी इसी प्लेन में रहेगा जिस प्लेन में नॉर्मल है. मतलब क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पे, कि अगर हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट है, आने वाला लाइट ऑब्वियसली नॉर्मल इसी प्लेन में रहेगा, ठीक है. तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो ना आपके प्लेन में रहेगा, आपके साइड वाले, ना मेरे साइड वाले प्लेन में रहेगा, वो इसी प्लेन में रहेगा, इसी प्लेन में रहेगा. सो दिस इज द लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों भी एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा. यहाँ पे आपको प्लेन 3D डायग्राम में दिख रहा है अच्छे से, मतलब लाइट रे ऐसे आउट ऑफ द पेपर भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्टेड इनटू भी नहीं जाएगा, वो जिस प्लेन में उसी प्लेन में आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है. तो ये था लॉ. अब इसमें और एक बात, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या है? सबको प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर लाइन. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन. थोड़ा सा स्लो हो गया था, थोड़ा स्पीड बढ़ाती हूँ, ठीक है. सो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन. किसको परपेंडिकुलर? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बाउंड्री और सरफेस ऑफ दैट मीडियम. ओके, आगे नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस से हमें रिफ्लेक्शन देखना है तो क्या होता है? देखो प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर, रोज हम लोग प्लेन मिरर पर घंटों तैयार होते, घंटों खड़े होकर तैयार होते. तो जैसे हम लोग हैं वैसे ही सेम इमेज हमें दिखती है, मतलब जो साइज हमारी है ऑब्जेक्ट की, सेम साइज ऑफ इमेज. जितने डिस्टेंस पर हम मिरर से खड़े होते हैं उतनी डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होती है. और अगर हम मूव हो रहे हैं, हम स्पीड में हैं, यू स्पीड से हम हैं, तो इमेज भी यू स्पीड से मूव होती है. मतलब प्लेन मिरर
हमें जो इमेज देगा यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेन मिरर के सामने अगर 3 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगी, 3 मीटर पर ओनली, ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज हो गया 3 + 3, दैट इज 6 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u बोलते हैं एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज v बोलते हैं. अच्छा, पहले ऑब्जेक्ट की पहले इमेज, हमेशा पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज आता है, इमेज से ऑब्जेक्ट नहीं. ए टू जेड में जब हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले u v w x y z, मतलब फर्स्ट लेटर u फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट, लास्ट बाद वाला लेटर इमेज के लिए, बाद में कौन है, इमेज, इसलिए बाद वाला लेटर v फॉर इमेज एंड u फॉर ऑब्जेक्ट. अब और एक चीज देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन अगर प्लेन सरफेस से होता है तो वहां पे हमें लैटरल इन्वर्जन देखने मिलता है. लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या, कि देखो अगर ऑब्जेक्ट डी, सो इस तरीके से प्लेन मिरर से मिलने वाली इमेज वर्चुअल, लैटरल इन्वर्जन और सेम डिस्टेंस पर हमें मिलते हैं, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इमेज का हमें देखने मिलता है, ठीक है. आगे यहाँ पे हमें बात करनी है नंबर ऑफ इमेजेस की. अगर दो प्लेन मिरर को हम लोग किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दें, तो दिस इज वन मिरर, दिस इज अनदर मिरर, ठीक है, दोनों प्लेन मिरर को हमने थीटा एंगल पर रख दिया, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस. सो ये भी पता है, नंबर ऑफ इमेजेस गिवन बाय कैपिटल एन. अगर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है 360 बाय थीटा, यू हैव टू कैलकुलेट 360 बाय थीटा. व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, ये पहला प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर, दोनों के बीच का एंगल थीटा. तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा आप कर लेंगे, उसके बाद में अगर इसका आंसर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस रहेंगी 360 बाय थीटा माइनस 1, ये रहेंगे नंबर ऑफ इमेजेस. और अगर 360 बाय थीटा ऑड आता है, ऑड आता है, तो दो कंडीशन और आगे लगाएंगे हम लोग, ठीक है. अगर ये सिमेट्री पे है ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट सिमेट्री पे नहीं है, असिमेट्री कंडीशन, ठीक है. सिमेट्री और असिमेट्रिक मतलब क्या, मतलब अगर ऑब्जेक्ट एकदम बीचों बीच है, मतलब एंगल थीटा था दोनों के बीच में, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल थीटा, तो अब एंगल एक ऑब्जेक्ट का पहले से एंगल हो गया थीटा बाय टू, और दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे मिरर से एंगल हो गया थीटा बाय टू, मतलब वो एकदम एंगल बाइसेक्टर पर है, एंगल बाइसेक्टर पर, तो उसको बोलेंगे सिमेट्री कंडीशन. और अगर वो एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, किसी एक मिरर से ज़्यादा नज़दीक है और दूसरे मिरर से थोड़ा दूर है, तो वो एकदम प्रॉपर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, तो वो असिमेट्रिक कंडीशन. तब क्या करेंगे, तब ऑड है, सिमेट्री में है, तो फिर से 360 बाय थीटा माइनस 1 लेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, एंड ऑड है, असिमेट्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाय थीटा. अब ये इवन ऑड आया तो समझ गए, लेकिन अगर 360 बाय थीटा इंटीजर नहीं आया, नॉट इंटीजर मतलब वो एक ऐसा नंबर आया जिसमें पॉइंट है, फ्रैक्शन है, लेट्स से 8.45 ऐसे आया, इसका डिवीजन आ सकता है ना, हाँ क्यों नहीं आ सकता, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ इमेजेस लेंगे आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन का जो इंटीग्रल पार्ट है, अभी 8.45 है ना, इसका मतलब पॉइंट के आगे जो नंबर है वो लेंगे, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 8, ठीक है. सो याद रखो, दो प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल पर है, इंक्लाइंड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इस तरीके से फॉर्म होती है, 360 बाय थीटा पहले कैलकुलेट करो, इवन है तो 360 बाय थीटा माइनस 1, इतने नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे, 360 बाय थीटा ऑड है, प्लस सिमेट्री है, तो फिर से 360 बाय थीटा माइनस 1, एंड असिमेट्री है, तो 360 बाय थीटा ओनली. और अगर 360 बाय थीटा इवन ऑड छोड़ दो, इनमें से वो फ्रैक्शन में आया नंबर, तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, मतलब पॉइंट के पहले वाला नंबर लेंगे, 3.54 आया तो ये डिवीजन, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3, 9.87 आया तो ये फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ इमेजेस 9, ठीक है. तो इंटीग्रल पार्ट उठाएंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, रियल पार्ट. अब आगे ये हो गए नंबर ऑफ इमेजेस. अब ये देखने हमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स. कर्व्ड मिरर्स क्या है, कर्व्ड मिरर अभी स्फेरिकल स्फेयर से ही, स्फेरिकल ग्लास से हमें स्फेरिकल मिरर मिलेंगे, हम लोग उसको कोट करेंगे. अगर हमने स्फेरिकल ग्लास को कट किया,
और उससे एक कर्व बना लिया और उस कर्व का आउटसाइड पोर्शन कोट कर दिया, आउटसाइड कोटिंग कर दी, तो हमें मिलेगा कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव मिरर इज गिवन बाय, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर हमें मिलेगा. कॉनकेव मिरर आपको वीडियो में दिखता नहीं है प्रॉपर, इसलिए मैं लिख रही हूँ कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. अगर आउटसाइड कोटिंग तो कॉनकेव मिरर. ये देखो बाहर से कोटिंग कर दी हमने, इस मिरर को हमने बाहर से कोट कर दिया, आउटसाइड कोटिंग. और उसी को हमने अगर इनसाइड कोटिंग कर दी, इसी स्फीयर को हमने अंदर से कोट कर दिया, इनसाइड कोटिंग, तो हमें मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, अंदर की बाजू बंद कर दी तो कॉन्वेक्स मिरर, और बाहर की बाजू बंद कर दी तो कॉनकेव मिरर. ठीक है, कोट करना मतलब बंद करना. अब टर्मिनोलॉजीज क्या है आगे देखो. ये स्फीयर कुछ सेंटर से बना होगा, वो स्फीयर का सेंटर जिससे वो मिरर बने, दैट सेंटर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. जिस सेंटर से स्फीयर बना उस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल क्या है? अब पोल मतलब मिड पॉइंट ऑफ दैट कर्व, वो कर्व का जो भी मिड पॉइंट है उसको बोलेंगे पोल. मतलब क्या, अगर ये पूरा कर्व 8 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट को बोलेंगे पोल. सो पोल इज द सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ दैट कर्व. लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर और पोल में से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, फोकस. अब लाइट रे जब ट्रेवल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट के भी 3 रूल्स है. अगर लाइट रे पैरेलली आता है तो वो फोकस में से पास होते हुए जाता है, और अगर वो फोकस में से आता है तो वो पैरेलली बाहर जाता है. ये रूल है. सो देखो यहाँ पे 2 इंसिडेंट लाइट है. ये पहला पैरेलली आया, इसमें से पास हुआ इस पॉइंट में से. ये दूसरा लाइट रे ये भी पैरेलली आया और फोकस में से पास हुआ. सो इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, जितने भी पैरेलल रेज आए उन सभी ने फोकस किया, एक पॉइंट में से पास हुए, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. ठीक है, तो जहाँ पे सभी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मर्ज होते हैं, फोकस करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. ठीक है, अब कॉनकेव एंड कॉनवर्ज मिरर की हमने जो साइन कन्वेंशन की बात की थी, पोल को ओरिजिन कंसिडर करना है. पोल कंसिडर करो ओरिजिन, तो ये वाला कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस निगेटिव होंगी, लेफ्ट साइड में है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू भी निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, एंड फोकल लेंथ भी निगेटिव होगी क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है. कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस पॉजिटिव, ठीक है, राइट साइड में है पोल के. फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो निगेटिव हियर. ठीक है, कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रखेंगे ना हम लोग. सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव, इधर भी निगेटिव, वहाँ यहाँ पे रेडियस निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव लेफ्ट साइड में, यहाँ पे रेडियस और फोकल लेंथ पॉजिटिव राइट साइड में. ठीक है, ये बातें हमने कर ली. आगे देखो, मैग्निफिकेशन, इमेज इतनी, ऑब्जेक्ट इतना है और उसकी इमेज इतनी मिल गई. ठीक है, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज दिस मच ऑफ साइज एंड इमेज हमें इतनी मिल गई, मतलब इतने टाइम्स वो उसका मैग्निफिकेशन हुआ ऑब्जेक्ट का, एंड दिस मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज लैटरल मैग्निफिकेशन. और वो मिलता है हमें बाय द फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज लीनियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दैट इज v बाय u. ठीक है,
इमेज का लीनियर साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लीनियर साइज मिलेगा हमें मैग्निफिकेशन। टेक्स्ट बुक में बस यही है, आप ये और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एफ क्या है? एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगी। सो पहले यू और बाद में वी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए पहला यू, बाद में इमेज के लिए बाद वाला वी। ओके, अब आगे बढ़ो। मैग्निफिकेशन हो गया, अब होगा रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, लाइट की स्पीड एवरी मीडियम में, हर मीडियम में सेम नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन मीडियम चेंजेस। क्या बात कर रहे हो मैडम? हाँ, लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है वैक्यूम या फ्री स्पेस में। कहाँ होती है मैक्सिमम स्पीड? वैक्यूम या फ्री स्पेस में, या फिर हम लोग एयर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको हमने स्पेशल सिंबल दे दिया सी। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, लाइट की स्पीड भी चेंज होती है, कम होती है। बाय दिस फॉर्मूला सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि हम लोग अलग अलग मीडियम में, हम लोग अगर पानी में मूव हो रहे हैं, एयर में मूव हो रहे हैं, हम लोग अगर प्लेन ग्राउंड पर चल रहे हैं, सैंड पर चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी स्पीड अलग अलग रहेगी। सेम वाइज लाइट की भी स्पीड मीडियम चेंज होने पर बदलती है। अब क्या क्या चीज़ें बदलती है? लाइट को स्पीड है, लाइट को एम्पलीट्यूड है, एंड लाइट को फ्रीक्वेंसी है। ये क्या क्या चीज़ें हैं? दिस इज स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। सो एज मीडियम चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर हमने वही लाइट कंसिडर किया है तो लाइट चेंज हुआ, लाइट का कलर, लाइट का टाइप चेंज हुआ, लाइट का सोर्स चेंज हुआ, तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड कलर ऑफ लाइट। सो स्पीड अगर एक ही लाइट कंसिडर किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट अगर फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्पीड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेवलेंथ। और अगर मीडियम चेंज होने पर स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी कम होगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या फिर वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, वाइस वर्सा। ठीक है, अब ध्यान दो आगे। हर एक स्पीड में लाइट की स्पीड अलग, हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे लाइट की स्पीड कम होती जाती है, इसका मतलब लाइट मोस्ट डेंस मीडियम हो जाता है। सो अगर लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो क्या होता है? देखो लाइट रे की एक प्रॉपर्टी, लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब लाइट रे ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, बट वो, क्या आपको डायग्राम दिख रही है? दिख रही है, कोई बात नहीं। देखो हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली। नॉर्मल मतलब अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस बाउंड्री ऑफ दैट मटेरियल, नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो ऐसे 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 आगे जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में। बट क्या हुआ, एक मीडियम ये है ऊपर, ये अनदर मीडियम ग्लास। एट दिस पॉइंट एयर मीडियम ख़त्म हुआ और ग्लास शुरू हुआ, मतलब मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होने पर स्पीड बदलती है, स्पीड बदली तो वेवलेंथ भी बदलेगी। दैट्स वाई ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड हुआ, मतलब लाइट रे की जो डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी वो ये नहीं रही, अब वो इस डायरेक्शन से थ्रू ट्रांसमिट होना शुरू कर दिया। मतलब एज मटेरियल मीडियम चेंजेस, लाइट रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन, लाइट रे उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अदर डेफिनेशन, व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट बेंड्स, एंड बेंडिंग ऑफ दैट लाइट रे
due to other medium is called as refraction. Ye tha refraction, when light ray travels from one denser or any transparent medium to another transparent medium, it changes its direction. Direction change karta hai, thoda bend hota hai towards the normal ya away from normal. That is called refraction of light. Denser medium matlab light ki speed jis medium mein kam hogi, that medium is called as denser medium. Sabse zyada speed light ki air vacuum ya free space mein. Air vacuum ya free space mein. जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल होगा तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा. टूवर्ड्स नॉर्मल, ये दो कंडीशन पता है सबको. एंड इसका उल्टा, जब भी लाइट रे डेंसर ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर ट्रांसफर होगा ट्रैवल होगा तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा. अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है. Rarer to denser, towards normal, denser to rarer, away from normal. अब यहाँ पे आप देख सकते हो light ray rarer to denser travel हो रहा है. Rarer to denser, denser में जा रहा है. Rarer to denser, तो वो towards the normal, मतलब ये जो perpendicular line है normal, उस normal line की तरफ bend होगा, तरफ झुकेगा, ठीक है. तो देखो ये ऐसे जो जाने वाला था dotted line से, इधर नहीं वो bend हुआ, ऐसे away नहीं bend हुआ, अवे नहीं बेंड हुआ, टूवर्ड्स बेंड हुआ, ठीक है. अब इसको याद रखने का तरीका, वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ठीक है. वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, क्या बोल रहे हो, ठीक है. डॉक्टर अवे मतलब डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करते टाइम लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है. ये था रिफ्रैक्शन. अब ऑप्टिकली डेंसर एंड फिजिकली डेंसर रेयरर अलग अलग बात है. पानी पर, वाटर पर ऑयल फ्लोट होता है क्योंकि ऑयल की फिजिकल डेंसिटी कम है वाटर से, बट ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, एकदम पूरा अपोजिट, ठीक है. फिजिकल डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड रेयरर मीडियम का एक सीक्वेंस याद रखो, दैट इज एयर वैक्यूम फ्री स्पेस. एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, उसके बाद में उससे ज़्यादा डेंसर वाटर, उसके बाद ऑयल, उसके बाद ग्लास एंड सबसे डेंस मीडियम डायमंड. डायमंड इज द मोस्ट डेंस मीडियम. मतलब क्या, अभी देखो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने लग जाए एयर वाटर में, एयर रेयरर एंड वाटर डेंसर, ठीक है. अगर हम लोग वाटर एंड ऑयल को कंपेयर करेंगे तो ऑयल डेंसर एंड वाटर रेयरर. मतलब जो वाटर एयर के कंपैरिजन में डेंसर था वही वाटर ऑयल के कंपैरिजन में रेयरर बन गया. तो वही मैं समझा रही थी कि एक मीडियम हमेशा ही डेंसर हमेशा ही रेयरर ऐसे नहीं रहेगा. हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किस मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स. एंड सबसे मोस्ट डेंस मीडियम इज डायमंड. सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम. तो एयर वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी एंड डायमंड इज द मोस्ट डेंस मीडियम. तो डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम रहेगी, लीस्ट रहेगी. मीडियम जितना ज़्यादा डेंस बनते जाएगा उतनी ज़्यादा लाइट की स्पीड उसमें कम कम होते जाएगी, ठीक है. ओके, ऑप्टिकली डेंसर एंड फिजिकली रेयर डेंसर अलग बातें हैं, ठीक है. आगे बढ़ो. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. अब रिफ्रैक्शन दो मीडियम के कारण होता है. अगर एक ही मीडियम चलने लग जाए, एयर ही है, तो लाइट रे तो ऐसे सीधा ही जाएगा ना. जब तक दूसरा मीडियम एंटर नहीं करता तो वो एक तो नॉर्मल से अवे, नहीं तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा नहीं, बेंड नहीं हो झुकेगा नहीं साला, ठीक है. कितना मतलब वो हैमरिंग हो गया उस चीज़ का कि जब भी झुकेगा नहीं, तो वही याद आ गया ना मुझे भी, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. तो जब तक दूसरा मीडियम नहीं आएगा लाइट रे झुकेगा नहीं. तो मतलब वो बेंड नहीं होगा, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा. सो रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ड्यू टू सेकेंड मीडियम. ये एयर, लेट्स से दिस ग्लास, ये फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट रे आया और जहाँ गया वो सेकेंड मीडियम. मतलब लाइट रे
जो रिफ्रैक्ट हुआ, बेंड हुआ, वो सेकेंड मीडियम के कारण हुआ. किसके कारण? सेकेंड मीडियम. किसके कारण? सेकेंड मीडियम के कारण, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम ग्लास है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट ग्लास मीडियम. ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको याद रखने का एक और एक आसान तरीका, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम ऑलवेज एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस होगा, ठीक है. सो दिस, अगर पहला मीडियम एयर है कंपल्सरीली, या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, सो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकेंड एयर और वैक्यूम में, ठीक है. और जो भी दूसरा मीडियम रहेगा उसमें ग्लास ज़रा डेंसर है, तो उसमें लाइट की स्पीड कम होगी. मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा कम आएगा. लेट से 2.9×2.2×10^8 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड कम हो गई ग्लास में जाने के बाद. सो 3/2, ये रेशो हमेशा, ये 10^8 कैंसल, मतलब ये रेशो यहाँ पे हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर दैन 1, ठीक है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर दैन 1, ठीक है, आएगा हमेशा, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा स्पीड उधर ही हो सकती है लाइट की, बाकी मीडियम में कम हो जाएगी. अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेट्स से फर्स्ट मीडियम अभी एयर नहीं है, अभी हमने फर्स्ट मीडियम ले लिया वाटर. लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है? वाटर टू ग्लास, या फिर लाइट रे वाटर टू किसी और मीडियम में, डायमंड में ट्रैवल कर रहा है. अब यहाँ पे फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है. सो ये है आइडेंटिटी ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, एनी सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एनी मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और यहाँ पे वो फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम. और लास्ट फार्मूला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट. ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के फॉर्मूले, ठीक है. इन शॉर्ट इतना याद रखो, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, अदर देन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम. थोड़ा सा फास्ट लेते हैं हम लोग. पहला मीडियम एयर वैक्यूम, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पहला मीडियम एयर वैक्यूम नहीं, तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. यहाँ पे सी बाई वी हमेशा, और वो ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, ठीक है. आगे ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो 1 and 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम. जो ऊपर है वो स्पीड ऊपर ले लो, जो मीडियम नीचे है उसकी स्पीड नीचे ले लो. अगेन दूसरा फॉर्मूला, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम. क्योंकि जैसे स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ भी तो चेंज होती है. देखा था हमने, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो अगर स्पीड का रेशो, तो वेवलेंथ का भी वही रेशो आएगा. दिस इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आगे बढ़ो. नेक्स्ट, इल्यूस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या अपीयर हुआ, क्या इल्यूजन हुआ रिफ्रैक्शन के कारण. एज वी सी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वॉटर, अगर हमने वाटर का बॉटम देखा बाहर से, तो वो बॉटम थोड़ा सा ऊपर हमें शिफ्ट हुआ हुआ दिखता है. मतलब वो एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं दिखती, रियल डेप्थ नहीं दिखती, हमें अपेरेंट डेप्थ दिखती है, ठीक है. मतलब हमें लगता है, हाँ क्या है, तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा गहरा नहीं है पानी, तो हम लोग कूद जाते हैं, फिर गए हम लोग ऊपर, क्योंकि बाहर से हमें एक्चुअल डेप्थ नज़र नहीं आती ड्यू टू रिफ्रैक्शन. अब क्या हुआ यहाँ पे, वाटर सरफेस पर लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ. लाइट रे एयर से वाटर में ट्रैवल हुआ और वो वहाँ पे बेंड हुआ. ये एयर और ये वाटर, वाटर सरफेस पे वो बेंड हुआ, तो इसलिए हमें जो एक्चुअल पोजीशन दिखनी थी वो नहीं दिखी, हमें अपीयर हुआ, ठीक है. सो दिस इज इल्यूस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन. सो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ.
रियल मतलब जो एक्चुअल में सही में उसकी डेप्थ है, अपेरेंट मतलब जो हमें नजर पड़ रही है, हमें दिखाई दे रही है, हमें अपीयर हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड यू कैन सी द फिश एट 6 सेंटीमीटर बिलो, 6 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर, बिलो सर्फेस ऐसा उन्होंने दिया। You can see fish below 6 centimeter of water surface. What is the real depth of fish? Fish की real depth क्या है? Fish की position पूछी, real depth of fish. Actual में fish कहाँ है, कितने नीचे है? तो formula लगा दो, refractive index of water is equals to real depth upon apparent depth. Real depth कितनी थी? Real depth नहीं पता, वही हमें निकालनी है, real depth as it is रख देंगे, upon apparent depth कितनी थी? 6 centimeter. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 4/3। मैम आपने सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन नहीं किया, ज़रूरत नहीं है, जो आंसर आएगा रियल डेप्थ का वो भी सेंटीमीटर में ही होगा अगर हमने कन्वर्ट नहीं किया तो, ठीक है। तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से रियल डेप्थ हो जाएगी आर डी, रियल डेप्थ 6 उधर चले गए, 4/3 × 6 डेट इज 3 मतलब 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। सो फिश की रियल डेप्थ हमें मिली 8 सेंटीमीटर, सो फिश इज एट 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और ऐसे क्यों हुआ? एक्चुअल में है कहाँ पे? 8 सेंटीमीटर नीचे है और दिखी कहाँ पे? 6 सेंटीमीटर नीचे। इल्यूजन माया है, वो माया है सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ो, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी टर्म्ड एज TIR. TIR की पहली कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहले कंडीशन जान लो, लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, मतलब राइट लाइट रे ने डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करना चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब इसके लिए ये दो कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ज़रूरी है। अभी देखो क्या होगा, होता क्या है, पहली कंडीशन डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए, सो लाइट रे दिख रहा है आपको यहाँ पे, लाइट रे यहाँ पे डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और यहाँ पे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो लाइट रे डेंसर से होते हुए रेयरर में जा रहा है, ठीक है, डेंसर से होते हुए रेयरर में जा रहा है, नॉर्मल 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 नॉर्मल, ठीक है, लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। तो क्या होता है, देखो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, फिर से इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, फिर से इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हो लाइट रे डेंसर टू रेयरर ट्रैवल कर रहा है, उस टाइम पे डेंसर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, तो नॉर्मल से थोड़ा अवे और अवे एकदम अवे बेंड हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते गया वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, इंसिडेंट बढ़ा तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ा, इंसिडेंट एंगल और बढ़ा, रिफ्रैक्टेड एंगल और बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा आया 1, 2, 3 तीसरे रिफ्रैक्शन पर, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ना कुछ है, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो कितना है, कंप्लीटली 90 डिग्री। यहाँ पे कंडीशन क्रिटिकल हो गई, मतलब क्या हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं, यहाँ पे देखो इकड़े आड़ा नहीं तिकड़े विहीर, मतलब ऊपर अगर लाइट रे हमें मिलता था तो वो उसको हमने रिफ्रैक्शन बोल देना था, क्यों? क्योंकि अगर एक मीडियम में लाइट रे है और दूसरे मीडियम में लाइट रे है तो उसको रिफ्रैक्शन बोला, दो अलग अलग मीडियम में, और अगर लाइट रे नीचे मिला तो उसी मीडियम से निकल के उसी मीडियम में वापस आया, मतलब रिफ्लेक्शन, मतलब एट दिस पॉइंट 90 डिग्री पर लाइट रे ऐसा कट टू कट रिफ्रैक्टेड रे ऐसे मिला हमें 90 डिग्री पर, ऊपर था तो रिफ्रैक्शन और थोड़ा नीचे गया तो रिफ्लेक्शन, ऊपर थोड़ा ऊपर रिफ्रैक्शन थोड़ा नीचे रिफ्लेक्शन उसको देगा, मतलब 90 डिग्री पर कंडीशन ऐसी हो गई क्रिटिकल। इसीलिए और बोलो मुझे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस या पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अरे पहले इंसिडेंट रे आएगा ना उसके बाद में रिफ्रैक्शन एंगल आएगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट उसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिला उसकी मिलने की वजह क्या है? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस।
जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिला, कंडीशन क्रिटिकल हो गई. सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, इसलिए उसको बोला गया क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, आईसी. आईसी मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो. क्रिटिकल एंगल इज सच एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका, अब सीधा सीधा ऐसे ही लिखती हूँ मैं, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कंपल्सरी हमेशा 90 डिग्री अगर हो तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल बोला, क्योंकि उसके कारण एंगल कंडीशन क्रिटिकल हुई है. यहाँ पे इधर रिफ्रैक्शन, नीचे रिफ्लेक्शन, ठीक है. फिर से एक बार, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, इतना अवे कि वो परफेक्टली परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है. और उसके बाद अगर यह है क्रिटिकल एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, और अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो उसको और अवे बेंड होना पड़ेगा कि नहीं. हाँ, और अवे मतलब 90 डिग्री से और अवे, मतलब भी नीचे, मतलब इन दैट सेम पहला वाला प्रीवियस वाला मीडियम, मतलब लाइट रे डेंसर से निकला और फिर से डेंसर में आ गया, मतलब सेम मीडियम से निकल के सेम मीडियम में आ गया, मतलब हो गया रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे इसको बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनली रिफ्लेक्शन. अब इसको टोटल नाम क्यों दिया, देखो ये पहला दूसरा तीसरा जो फिनोमिना हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा लाइट, कंप्लीटली लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा था, पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, कुछ परसेंट लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा था और कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट भी हो रहा था. सेकेंड में भी कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट हो रहा था, कुछ परसेंट रिफ्रैक्ट हो रहा था. यहाँ पे भी थर्ड जो क्रिटिकल कंडीशन मिली, यहाँ पे भी कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, बट आफ्टर क्रिटिकल एंगल पूरा का पूरा लाइट वापस आया, जीरो रिफ्रैक्शन हुआ उस टाइम पे. मतलब पूरा का पूरा 100% जो भी निकला वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हुआ, 100% रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिला. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब ये अवे अवे कब तक नहीं होगा, जब तक डेंसर टू रेरर नहीं है, रेरर टू डेंसर लगा, टूवर्ड्स अ नॉर्मल, टूवर्ड्स अ नॉर्मल, ये तो होगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा. इसलिए पहली कंडीशन. दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ना रिफ्रैक्शन ना रिफ्लेक्शन, ये क्रिटिकल एंगल, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. और हर एक मीडियम का, हर एक मटेरियल का अपना अपना क्रिटिकल एंगल होता है, अलग अलग, ठीक है. क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, साइन आई सी इज 1/μ. दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1/μ. इस पर से हम लोग लिख सकते हैं आई सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन उधर जाके साइन इनवर्स, 1/μ. म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसका, यहाँ पे दो मीडियम है, एक डेंसर पहला और दूसरा रेयरर. सो पहले सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, याद रखना यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, ठीक है. सो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, ये आपको यहाँ पे दिखेगा. तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आगे बढ़ो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बेस्ट यूज, बेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन में जो यूज होता है. अभी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी वायर होती है या फिर ऐसी केबल होती है जो हमारे हेयर से थोड़ी ज्यादा थिक होती है, मतलब आप हेयर ही हेयर, एक 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 बाल उसकी थिकनेस इतनी कम होती, इतने कम थिक, थोड़ा सा ज्यादा उससे होता है. एंड दैट केबल कैरीज सिग्नल कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लाइट कैरी करता है, ठीक है. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो, कोर एक फ्लेक्सिबल क्लैडिंग होती है, यहाँ पे कवरिंग उसको नाम दिया, और एक जैकेट होता है टू प्रोटेक्ट, ठीक है. मतलब एक
कोर हमारे पास होता है, कोर मतलब अंदर वाला सरफेस, और एक क्लैडिंग उसको मिलती है मतलब एक आउटर सरफेस. सो ये जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ये जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग मतलब कवरिंग, ठीक है. सो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, नहीं म्यू नहीं आपके पास, एन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ठीक है. कोर का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. मतलब कोर हो गया डेंसर एंड क्लैडिंग हो गया रेयरर, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना ज़्यादा डेंस मीडियम, ठीक है. तो यहाँ पे जब लाइट रे ट्रैवल करता है, अंदर कौन सा मीडियम है, कोर, दैट इज ऑप्टिकली डेंस. बाहर कौन सा है, रेयरर. तो वो डेंसर से रेयरर पे फॉल हो रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. और यहाँ पे वो जिस एंगल पे फॉल होता है वो एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है. जानबूझ के उसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं. इस कोर का भी अपना अपना कुछ क्रिटिकल एंगल होगा, तो हम लोग लाइट उसी एंगल पर एक बार भेज देते. तो यहाँ पे डेंसर टू रेयरर पहले तो वो जा रहा है, कोर से वो क्लैडिंग पर फॉल हो रहा है, मतलब डेंसर टू रेयरर. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा है, मतलब वो अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, फिर से एक बार रिफ्लेक्ट, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स वो लाइट रे अंदर रिफ्लेक्ट होते रहता है, ठीक है. सो दिस इज द यूज ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. सो ऑप्टिकल फाइबर में बहुत बार, सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स हैपन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब ऑप्टिकल फाइबर के यूज क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. सबसे पहले कम्युनिकेशन, ठीक है. सो सबसे पहले कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन, ठीक है. दूसरा, वो बहुत उसकी ब्रॉड बैंडविड्थ है. ब्रॉड बैंडविड्थ मतलब वो इट कैन कैरी अप टू 90,000 चैनल्स. मतलब उसकी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है. ब्रॉड बैंडविड्थ है मतलब उसके पास बहुत सारे, एक चैनल एक फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, दूसरा चैनल दूसरे फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा. मतलब उसके पास फ्रिक्वेंसी की बहुत बड़ी रेंज है. इतनी बड़ी रेंज है कि उसमें 90,000 चैनल्स हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं. दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसमें बहुत कम लॉस होता है. सो वेरी लो लॉस, मतलब 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर, ठीक है. कि एक किलोमीटर में सिर्फ 0.2 डेसिमल तक लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर बहुत कम हो गया. तीसरा, इम्यून टू ईएम वेव्स. ईएम थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई बात नहीं, उससे मैं भी डिस्टर्ब हो गई. चलो, इम्यून टू ईएम वेव्स मतलब वो जो ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मतलब वो कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है. नॉन कंडक्टर होने के कारण दूसरी ईएम वेव्स के सिग्नल्स को वो कैच नहीं करता, ठीक है. चौथी बात, थेफ्ट प्रोटेक्शन, मतलब इसको कोई चोरी नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर किसी कॉपर या फिर किसी मेटल का नहीं बना है, तो चीप भी है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है. सो ऑल दीज आर यूजर्स ऑफ दैट ऑप्टिकल फाइबर. ये दो थेरी तो हो गया आपका, पेपर बोर्ड का पेपर तो हो गया आपका, लेकिन एक दो मार्क के लिए एमसीक्यू इस पे आ सकता है. तो आगे बढ़ते हैं, ये था ऑप्टिकल फाइबर और उसका यूज़. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ऑप्टिकल फाइबर. आगे बढ़ते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म. व्हाट इज डिस्पर्शन? व्हेनेवर लाइट रे फॉल्स ऑन ग्लास प्रिज्म, व्हाइट लाइट. कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट. अब व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. 7 कलर मिलके व्हाइट लाइट फॉर्म होता है. विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सो प्रिज्म से व्हाइट लाइट अगर हम लोग ट्रांसमिट कर दे तो हर एक कलर बाहर अलग अलग मिलेगा हमें. सो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स. व्हाइट लाइट इंटू इट्स 7 कलर कॉम्पोनेंट्स
is called dispersion of light. And why this happens? ऐसे क्यों हुआ? Why? Because ये जो यहाँ पे हमने material use किया, glass prism, उसने हर एक कलर को अलग अलग फॉर्म में रिफ्रैक्ट किया, अलग अलग अमाउंट में रिफ्रैक्ट किया, हर एक अलग अलग अमाउंट में बेंड हुआ. इसीलिए तो सब लोग अलग अलग हो गए. मतलब किसी का ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ, किसी का कम बेंडिंग हुआ, किसी का ज़्यादा रिफ्रैक्शन, ज़्यादा बेंडिंग हुआ. एंड रिफ्रैक्शन बेंड करता है, डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, मैंने बोला था, 1 and 2 डिपेंड्स ऑन V1 upon V2, और एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, λ1 upon λ2. मतलब सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर न्यूमरेटर में है और इधर सेकेंड की वेवलेंथ नीचे डिनोमिनेटर में है. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मतलब वो डिपेंड हुआ ना, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ. और हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है. रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो रेड की वेवलेंथ अगर सबसे ज़्यादा तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम. मतलब रेड सबसे कम बेंड हुआ, कम रिफ्रैक्ट हुआ. इसलिए ऐसे लाइट रे जो व्हाइट रे आया था ऊपर से, यहाँ से अगर हमने देखा इसको लाइट रे, ऐसे व्हाइट लाइट रे अगर हमने इसको कंसिडर किया, मान लो ऐसे स्ट्रेट जाएगा वो, तो सबसे कम बेंड रेड हुआ है. देखो दिस इज डेविएशन फॉर रेड कलर. और सबसे ज़्यादा बेंड वॉयलेट कलर हुआ है, उसको हमने डेल्टा वी बोल दिया. तो रेड कम बेंड हुआ तो सबसे ऊपर मिला. सो दिस इज द रीज़न कि सबसे ऊपर रेड मिलता है और सबसे नीचे वॉयलेट मिलता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. और हर एक का वेवलेंथ अलग. रेड हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, तो कम रिफ्रैक्शन, कम बेंडिंग. वॉयलेट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, कम वेवलेंथ, इसलिए वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग सबसे ज़्यादा हुआ. सो दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट है थ्रू प्रिज्म. सो प्रिज्म कैन डिस्पर्स द लाइट. यहाँ पे यही दिख रहा है आपको, एंगुलर डिस्पर्शन. ये जो यहाँ पे डेल्टा आर बोला, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ रेड कलर एंड एंगुलर डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट कलर. सो वी कैन से दैट एंगुलर डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट कलर इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन एंगुलर डिस्पर्शन फॉर रेड कलर. ये सब क्यों हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण. आगे अब ये डिस्पर्शन तो देख लिया, डिस्पर्सिव यहां पर डिस्पर्सिव पावर भी हमें देखनी है. डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ठीक है, कि हर एक प्रिज्म कितना डिस्पर्स कर सकता है, कितना स्प्लिट कर सकता है. किसी का स्पेक्ट्रम कम ब्रॉड रहता है और किसी का स्पेक्ट्रम ज़्यादा ब्रॉड रहता है. मतलब यहाँ पे रेड, यहाँ पे वॉलेट वगैरह, ऐसे 7 कलर आपको देखने में जाते हैं. मतलब कोई ज़्यादा स्प्लिट करता है कोई प्रिज्म और कोई प्रिज्म कम, क्योंकि हर एक प्रिज्म का मटेरियल अलग अलग है. मटेरियल अलग, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, तो वेवलेंथ अलग होने के कारण वो अलग अलग फॉर्म में बेंड करेगा, अलग अलग अमाउंट में बेंड करेगा. सो ये डिस्पर्सिव पावर की, हर एक प्रिज्म कितना डिस्पर्स कर सकता है उसकी स्प्लिटिंग की पावर बोलो. सो उसका फॉर्मूला है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई. या डिस्पर्सिव पावर का और एक फॉर्मूला, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में और ये एंगल ऑफ डिस्पर्सिव एंगल के फॉर्म में. दिस इज डिस्पर्सिव एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर. आगे बढ़ते हैं, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेस. अभी देखा व्हाइट लाइट 7 कलर में कैसे डिस्पर्स होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से बनता है, 7 लाइट से बनता है. तो एब्रेशन क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेस एब्रेशन. एब्रेशन मतलब इमेज ऑफ व्हाइट लाइट, इमेज ऑफ व्हाइट ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलती है? हमें कलर्ड मिलती है और थोड़ी ब्लर्ड मिलती है. इमेज ऑफ व्हाइट ऑब्जेक्ट हमें मिलती है कलर्ड और ब्लर्ड. ऑब्जेक्ट कैसा है? व्हाइट. और उसकी इमेज कैसे मिल रही है? कलर्ड. और कैसी? थोड़ी धुंधली, ब्लर्ड. मतलब ये थोड़ा सा एरर हो गया ना, डिफेक्ट हुआ ना ये,
सो दिस डिफेक्ट, अब ये क्यों हुआ डिफेक्ट, इसका रीजन डिस्पर्शन। अब यहाँ पे प्रिज्म नहीं है बट ग्लास मटेरियल है ना, ग्लास की भी अपने अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो थोड़ा बहुत तो वो वहाँ पे डिस्पर्शन नहीं होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा सेपरेशन नहीं होगा, कंप्लीट रेड से रेड अलग, कंप्लीट येलो अलग, वॉयलेट अलग, रेड अलग, ऐसे कंप्लीट अलग अलग सेपरेशन अलग सात कलर नहीं मिलेंगे, लेकिन सात कलर थोड़े अलग तो ज़रूर हो जाएंगे, मिक्स ही रहेंगे बट थोड़े सेपरेट होंगे, मतलब यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन मिलेगा, एंगुलर डिस्पर्शन यहाँ पे होगा। सो कंप्लीट डिस्पर्शन नहीं बट एंगुलर डिस्पर्शन के कारण क्रोमैटिक एब्रेशन होता है। क्रोमैटिक एब्रेशन मतलब व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कलर एंड ब्लर मिलती है, ब्लर थोड़ी सी धुंधली मिलती है। तो यहाँ पे दो टाइप के एब्रेशन है, तो लॉन्जिट्यूडनल एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब हम लोग इस लेंस में से लाइट व्हाइट लाइट को पास करेंगे, ठीक है। अच्छा बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हाँ। एंड लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है, व्हाट इज लेंस मेकर्स फार्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2। पीपीटी में एक पॉइंट रह गया, दिस इज लेंस मेकर्स इक्वेशन। लेंस का फोकल लेंथ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, फर्स्ट साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सरफेस का, एंड सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, ठीक है। दिस इज लेंस मेकर्स इक्वेशन। यहाँ पे देख सकते हो कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर न्यूमरेटर में है एंड फोकल लेंथ इधर डिनोमिनेटर में है, तो इनवर्स रिलेशन हुआ। पहले से इनका ऑलरेडी इनवर्स रिलेशन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मतलब वेवलेंथ एंड फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वो ज़्यादा फोकल लेंथ, और जिसकी कम वो कम फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाइट ऑब्जेक्ट से व्हाइट लाइट आएंगे तो फोकस ऑफ वॉयलेट यहाँ मिलेगा इतने कम डिस्टेंस पर, एंड फोकस ऑफ रेड इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर मिलेगा। सो फोकल लेंथ डिपेंड करी, फोकल लेंथ डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन वेवलेंथ। सबकी वेवलेंथ अलग तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग तो फोकल लेंथ अलग। तो इसलिए देखो हर एक कलर अलग अलग पोजिशन पर हमें फोकस उसका अलग अलग जगह पर मिलेगा, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज एब्रेशन। और ये लॉन्जिट्यूडनल एब्रेशन है, अलग अलग जगह पे मिला, अलग अलग पोजीशन पे मिला, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल एब्रेशन। इसको डिफेक्ट को मिनिमाइज करने का एक तरीका टेक्स्ट बुक में ये दिया है कि दो लेंसेज यूज करो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करो, आपका ये डिफेक्ट हट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये था क्रोमेटिक एब्रेशन, अभी आगे बढ़ना है, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे मैं पेन देख रही हूँ, ठीक है, और मेरे सामने कैमरा भी लगा है, ठीक है। तो कैमरा मेरे लिए दूर है और ये पेन नज़दीक है, तो ये जो कैमरा ने मेरे आँखों के साथ एंगल बनाया, एंगल सब्सटेंडेड बाय दैट कैमरा विथ माई आई इज लेस, क्योंकि वो दूर है, और इस पेन ने जो मेरे आँखों के साथ एंगल बनाया वो ज़्यादा है क्योंकि वो नज़दीक है। इसलिए अगर मैं दोनों का भी यहाँ से कंपेयर करूँ तो मुझे पेन और वो कैमरे का स्टैंड पूरा एक एक लेंथ में दिख रहा है, ठीक है। वो हम लोग नहीं क्या फ़ोटो खींचने या फिर ताजमहल या कहीं जाते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे हाथ रख के फ़ोटो खींचते हैं कि जैसे सच्ची में हमने उसको पकड़ लिया, तो वो क्या है, दिस इज कि आई विजन का एंगल, ठीक है। जो एंगल बन रहा है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस कम है तो एंगल बड़ा और डिस्टेंस ज़्यादा है तो एंगल कम, ठीक है। सो उसको विजुअल एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। सो इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी दिखेगी
डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे. यही मुझे ये पेन की हाइट ज़्यादा दिख रही है और वो कैमरा की सेम दिख रही है. एक्चुअल में कैमरा का हाइट ज़्यादा है सबसे, बहुत ज़्यादा है, और पेन का हाइट कम है. बट विजुअल एंगल डिपेंड करेगा कि वो हमें इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी दिखेगी. ठीक है. सो विजुअल एंगल मतलब ऑब्जेक्ट ने आई के साथ बनाया हुआ एंगल. एंगल सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विथ आई. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात और करनी है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन. दूर है, दिख रहा 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 है. अब जरा मुझे तकलीफ होनी शुरू हो गई. मतलब जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस कम किया बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई लेंस, आई तो एक लेंस ही है ना, सो जो डिस्टेंस, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर मुझे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है, कंफर्टेबली दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, ऐसे नज़दीक करो तो मुझे दो, एक के दो दिखने लग जाएंगे. ठीक है. सो दिस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड एज DDV. और नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर. याद रखना DDV हमेशा होता है 25 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अगर हमें बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को देखना है जो कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. पेन दिख रहा है, ये लेटर्स भी दिख रहे हैं मुझे, सब कुछ दिख रहा है मुझे. चींटी दिख रही है, चींटी के पैर नहीं दिखेंगे मुझे क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. हाँ, दिख भी जाएंगे, आपको भी दिखते होंगे, मुझे थोड़ा चश्मा लगा है. ठीक है. बट उससे अगर छोटी कोई चीज़ हो तो हम लोग नहीं दे सकते. तो उसको अगर देखना हो, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो, कुछ हो, देखना हो, या फिर वो जो घड़ी का काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास छोटा वो माइक्रोस्कोप होता है, वो इतना छोटा छोटा वो देख नहीं सकते. सो स्मॉल ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है माइक्रोस्कोप. क्या यूज़ करते हैं हम लोग? माइक्रोस्कोप. हम लोग देख सकते हैं. और माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, सिंपल से एक लेंस होती है माइक्रोस्कोप में, जिसके कारण हम लोग क्लियरली देख सकते हैं. सो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होगा आगे सिंपल माइक्रोस्कोप और रीडिंग ग्लास, जिससे हम लोग वॉच रीड कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे बहुत छोटे लेटर्स हम लोग रीड कर सकते हैं. दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. अब हर एक माइक्रोस्कोप की अपनी अपनी मैग्नीफाइंग पावर होती है, मतलब वो कितना ज़्यादा डिस्टेंट क्लियर कर सकता है इमेज, कितनी ज़्यादा क्लियर इमेज फॉर्म कर सकता है. उससे और छोटा हो तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं यूज़ कर सकते. सो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, इसको ख़त्म हो गया. सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय बीटा अपॉन अल्फा. बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज फॉर्म्ड बाय दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने जो इमेज के साथ एंगल बनाया वो बीटा. अपॉन अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट DDV. मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हमने DDV पे रखा, AB इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने DDV पे मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखा, तो उसने जो एंगल बनाया लेंस के साथ दैट एंगल अल्फा. एंड बीटा क्या है? एंगल मेड बाय दैट इमेज विद लेंस, दैट इज बीटा. सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज बीटा बाय अल्फा. इसका और एक फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है, और एक फॉर्मूला, दैट इज DU, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इमेज अपॉन डी अपॉन यू. यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डी बाय एफ प्लस वन. ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के तीन फॉर्मूले, बीटा बाय अल्फा एंगल के फॉर्म में, डी बाय यू, डी बाय एफ प्लस वन. आगे बढ़ते हैं. हमारे पास और छोटे ऑब्जेक्ट्स थे, माइक्रोब्स थे, लेटर्स के भी बाद, वॉच के अपरेटस के भी बाद, वो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहे, वो इतना ज़्यादा रिजॉल्व नहीं कर पा रहे. इतने छोटे 1 मिलीमीटर के रेंज में, इतने छोटे 1 मिलीमीटर के रेंज में, या 0.3 मिलीमीटर के रेंज में, 0.1 एंड 0.3 मिलीमीटर के रेंज में. अभी 0.1 उससे कम, और मिली मतलब 10^-3 मीटर, मतलब 0.0001 मीटर.
इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स या फिर 0.0003 इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को अगर देखना है तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना होता है. एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस हैं. एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखी है उसको ऑब्जेक्टिव बोला, और जो लेंस हमारी आँखों के नज़दीक रखी है उसको आईपीस बोला. हम लोग देखते हैं ना उसमें से, तो हमारे आँखों के नज़दीक जो लेंस है उसको आईपीस, और नीचे ऑब्जेक्ट के नज़दीक जो लेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाता है MO प्लस ME. व्हाट इज MO? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. इस ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन मतलब क्या? VO अपॉन UO, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. एंड ME क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस. आईपीस एक सिंगल लेंस जो हमने अभी सिंपल माइक्रोस्कोप में देखी, क्या था उसका? डी बाय यू, या तो 1+D/F. सो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप 0.1 या 0.3 मिलीमीटर के लिए यूज होता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम साइन कन्वेंशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, एब्रेशन एंड माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब हमने इस टॉपिक में कवर किया. कुछ रह गया होगा तो कोई बात नहीं. सो दिस वॉज द रिविजन ऑफ ऑप्टिक्स फ्रॉम क्लास 11. आई होप सबको पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.